हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर फाइन। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 21, जिसका नाम है अर्बन डेवलपमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब शहर का विकास कैसे होता है, अर्बन की डेवलपमेंट कैसे होती है, और अर्बन में शहर में कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या करते हैं, और उनकी इनकम के सोर्सेस क्या होते हैं, ये हमने इस लेसन में पढ़ना है। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले जो हमारे विलेजेस थे, गांव थे, उसमें 90% लोग रहते थे। 10% जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में, शहरों में रहते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, वैसे वैसे विलेजेस से लोग शहरों में काम करने जाने लगे, और विलेजेस में पॉपुलेशन कम होकर 75% हो गई, अर्बन में 25% हो गई। पहले कितनी थी? 90% विलेजेस में और 10% अर्बन में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अर्बनलाइजेशन से, शहरीकरण की वजह से। बच्चे, जो लोग विलेजेस में रहते थे, डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी नीड्स बढ़ने लगी, उन्हें अपनी बहुत सारी ज़रूरतें महसूस हुई, तो उन्होंने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट की, विकास किया, और इसी तरह फिर विलेजेस से टाउन बन गए, छोटे छोटे कस्बे बन गए, फिर शहर बन गए। जैसे विलेज में रहते हुए हमारे बहुत सारे नीड्स थी, कपड़ा चाहिए था, उसके लिए इंडस्ट्रीज बनी, भोजन की ज़रूरत थी, और भी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज बनती चली गई, जिसकी वजह से टाउन से अर्बन बनते गए, गांव से कस्बे, कस्बे से शहर। ये कैसे हुआ? डेवलपमेंट से और हमारी नीड्स की वजह से। एक रीज़न और था कि इंडिपेंडेंस से पहले लोग एग्रीकल्चर करते थे, लोग एग्रीकल्चर में पर ही डिपेंड थे। पॉपुलेशन इतनी हो तेज़ी से बढ़ रही थी कि सभी लोगों को एग्रीकल्चर में काम मिलना मुश्किल था, तो लोग काम ढूंढने के लिए विलेजेस से बाहर निकले, जिससे भी अर्बन डेवलपमेंट हो। बच्चे, अब हम देखते हैं कि अर्बन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है नगर पंचायत, उसके बाद है बच्चे म्यूनिसिपल काउंसिल, फिर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सबसे पहले हम नगर पंचायत के बारे में करेंगे। नगर पंचायत उस जगह पर स्टेब्लिश की जाती है, स्थापित की जाती है, जहां पर 20,000 पॉपुलेशन होती है। फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या होंगे इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्रूव ओल्ड हाउसेस, मतलब के जो घर पुराने हो गए हैं, जिनकी मुरम्मत होने वाली है, उनकी इम्प्रूवमेंट कौन करता है? अर्बन एरियाज़ में नगर पंचायत। सेकंड इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, नगर पंचायत ही अर्बन एरियाज़ में सेफ वाटर पीने के लिए प्रोवाइड करती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रबंध करती है। थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, रोड्स को मेंटेन करना कि कहाँ पे रोड खराब हो चुकी है, कहाँ पे रोड को लिंक रोड बनाना है, ताकि विलेजेस को शहरों से लिंक किया जाए, ये काम भी नगर पंचायत करती है। तो ये काम को करने के लिए, जो हमें ये फैसिलिटीज़ देने के लिए हैं, हमें बेनिफिट देने के लिए हैं, ये सब काम करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। वो हमें, हम पढ़ते हैं कि इनकम सोर्सेज में कहाँ से इनकम होती है। सबसे पहले है ग्रांट्स एंड लोन्स, गवर्नमेंट की तरफ से नगर पंचायत को ग्रांट्स भी दी जाती है। जो लोग लोन्स लेते हैं,
उसमें से भी कुछ परसेंट जो है टैक्स के रूप में जो है हमारी सरकार को जाता है। सेकंड इज हाउस टैक्स, सेल्स टैक्स, व्हीकल टैक्स। जब हम न्यू हाउस बनाते हैं तो जब हम मैप पास करवाते हैं तो कुछ पैसे हमें सरकार को देने होते हैं। सेल्स टैक्स, जब हम कोई भी वाहन खरीदते हैं तो भी हमें कुछ परसेंट टैक्स के रूप में पैसे देने होते हैं। किसके लिए? हमारी फैसिलिटीज़ के लिए, हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सेकंड इज है बच्चे म्यूनिसिपल काउंसिल्स। बच्चे जैसा कि हमने पहले देखा कि नगर पंचायत वहाँ स्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन 20,000 होती है। म्यूनिसिपल काउंसिल वहाँ स्थापित की जाती है जहाँ पॉपुलेशन 20,000 से 1 लाख तक होती है। अर्थात जिन एरियाज में पॉपुलेशन 20,000 से 1 लाख तक होती है, लाख्स में हो ना हो, ओनली लाख हो। बच्चे नगर पंचायत की तरह म्यूनिसिपल काउंसिल के भी बहुत से काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, जैसे सीवरेज को मेंटेन करना, पानी का निकास कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सीवरेज को लेकर उसको मेंटेन करना, रोड्स बनाना, किस जगह पर रोड बनानी है, कहाँ मुरम्मत करनी है उसको देखना, स्ट्रीट लाइट्स लाइट्स ठीक है या नहीं उसकी मुरम्मत करना, ये देखना। इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं जिन्हें हम टू पार्ट्स में बांटते हैं, कंपलसरी फंक्शंस एंड ऑप्शनल्स फंक्शन। कंपलसरी फंक्शन जो काम करने ही होते हैं, जैसे आपको पहले बताया है कि रोड्स बनाना, स्ट्रीट लाइट्स देखना, सीवरेज को मेंटेन करना, ये काम उनके लिए कंपलसरी है जो कि करने ही करने हैं। इसके अलावा ऑप्शनल फंक्शंस वो है जो कि उन्होंने करने हैं, अगर उनके पास पैसा है, फंड हो, ग्रांट्स हो, तो वो हमारे लिए पार्क्स बना सकते हैं, लाइब्रेरीज खोल सकते हैं, डिस्पेंसरीज खोल सकते हैं। ये तब पॉसिबल है जब उनके पास फंड परमिट्स हो, ग्रांट्स हो। इनकम, इनकम में बच्चे सबसे पहले हम करेंगे टैक्सेस। टैक्सेस में क्या आएगा? हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स कौन सा होता है बच्चे? जैसे हम सिनेमा मॉल्स वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो हम पैसा देते हैं उसमें से भी कुछ परसेंट जो है हमारी गवर्नमेंट को जाता है। ओके बच्चे। सेकंड इज अप्रूवल ऑफ हाउस प्लान्स। जब हम कोई न्यू हाउस बनाते हैं, हाउस के लिए हमें जो है अप्रूवल करवानी होती है, मैप पास करवाना होता है, तो उसमें से भी कुछ पैसा टैक्स के रूप में हमें हमारी सरकार को जाता है। थर्ड इज लोन्स एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट की तरफ से म्यूनिसिपल काउंसिल को ग्रांट्स भी दी जाती है जिससे हमारी नीड्स फुलफिल हो सके और हमारी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। थर्ड इज अ बच्चों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ स्थापित की जाती है बच्चे जहाँ पॉपुलेशन लाख्स में हो, लाख में नहीं, लाख्स में हो। बच्चे जैसे कि आपने पहले देखा है कि अर्बन एरियाज में नगर पंचायत स्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है 20,000 हो, म्यूनिसिपल काउंसिल स्थापित की जाती है जहाँ पे 20,000 से 1 लाख तक हो, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पॉपुलेशन जो है लाख्स में होती है। फंक्शन, बेटा फंक्शन म्यूनिसिपल काउंसिल के और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेम ही होते हैं। इनकम के जो सोर्सेज है वो भी सेम ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका स्कोप, काम करने का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि म्यूनिसिपल काउंसिल का स्कोप जो है उतना बड़ा नहीं होता है। ओके बच्चे। तो बच्चे लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें फैसिलिटीज चाहिए तो हमें हमारी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, सभी टैक्स इन टाइम टाइम टू टाइम भरते रहना चाहिए, वो चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे व्हीकल टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो। भारत के एक अच्छे नागरिक होने की वजह से हमारा ये कर्तव्य है कि हमें इन्हें जो है भरना चाहिए ताकि जो हमारी नीड्स फुलफिल हो सके, गवर्नमेंट का सहयोग कर सके।
आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स।